हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी। आज हम सिक्वेंसर सर्किट टेस्टिंग के बारे में लर्न करेंगे। तो सिक्वेंसर सर्किट टेस्टिंग में दो एक्सपेरिमेंट मोस्टली परफॉर्म करते हैं, एक है होमिंग एक्सपेरिमेंट, दूसरा क्या है डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंट। होमिंग एक्सपेरिमेंट में हम फाइनल स्टेट फाइंड करना चाहते हैं और डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंट में हम इनिशियल स्टेट फाइंड करते हैं। तो डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी हम होमिंग एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो होमिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो फाइंडिंग ऑफ होमिंग सीक्वेंस है। और होमिंग सीक्वेंस क्या होता है, एन इनपुट इज सेड टू बी अ होमिंग सीक्वेंस फॉर अ मशीन इफ द मशीन्स रिस्पॉन्स टू द सीक्वेंस इज ऑलवेज सफिशियंट टू डिटरमाइन यूनिकली इट्स फाइनल स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई स्टेट आपसे कहा जाए कि S1 से स्टार्ट करोगे और अल्फा इनपुट सीक्वेंस होगा जिससे बीटा जो है आउटपुट सीक्वेंस जनरेट होगा, तो आप डेफिनेटली S2 पे पहुंच जाओगे। ये होमिंग सीक्वेंस आपसे कह रहा है। तो होमिंग वही होमिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, अप्लाई इनपुट सीक्वेंस प्लस ऑब्जर्व आउटपुट सीक्वेंस। एक तो इनपुट सीक्वेंस आप अप्लाई करो और ऑब्जर्व करो कि आउटपुट सीक्वेंस क्या आ रहा है, और उससे आपको कंक्लूजन निकालना है कि फाइनल स्टेट आपका क्या आएगा, दैट इज होमिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये एक स्टेट टेबल है। तो सीक्वेंसर सर्किट टेस्टिंग में जो है आपका ये होमिंग एक्सपेरिमेंट और डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंट यूज हो रहा है। इसमें इसको स्टेट टेबल वेरिफिकेशन का पार्ट भी कहते हैं। तो आपको एक स्टेट टेबल यहां गिवेन है जिसमें पीएस रिप्रेजेंट प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट इसमें आपको दिखाया गया है, मिले मशीन है, ए एक्स इक्वल टू जीरो इनपुट पे आपके स्टेट और आउटपुट है और वन पे स्टेट एंड आउटपुट है। तो आपको क्या करना है, एक सक्सेसर ट्री बनाना है। अगर आपको होमिंग सीक्वेंस फाइंड करना है तो उसके लिए एक सक्सेसर ट्री बनेगा। वो सक्सेसर ट्री आपको कैसे फाइंड करना है, पहले आपको सारे स्टेट लिख लेने हैं। तो मैंने सारे स्टेट लिख लेता हूं, ए बी सी डी, ठीक है। अनसर्टेन, इसको हम अनसर्टेन वेक्टर कहेंगे, हमें नहीं पता है कि कहां से स्टेट स्टार्ट होगा। तो ए बी सी डी मैंने पहले सारे स्टेट लिख लिए। अब इसके जीरो इनपुट पे चेक करेंगे कि क्या आएगा और वन इनपुट पे चेक करेंगे क्या आएगा। दो ही इनपुट है, जीरो और वन, तो जीरो और वन पे चेक करेंगे कि क्या स्टेट आएगा और उसके आउटपुट के करिस्पॉन्डिंग हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे। जैसे ए बी सी डी अगर हम देखें इन चारों को जीरो इनपुट पे, तो ए बी जो है वो आपका जीरो आउटपुट दे रहा है और डी डी आपका वन आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब ए बी सी डी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो ग्रुप में ए बी और डी डी। डी डी को एक सिंगल डी भी आप लिख सकते हैं, ये होमोजीनियस हो गया। अब ए बी सी डी को जब वन इनपुट पे अगर हम चेक करें तो सारे आउटपुट जीरो हैं, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक ही ग्रुप लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी, ठीक है। और ये हम सक्सेसर ट्री क्यों बना रहे, ताकि हमें होमिंग सीक्वेंस मिल सके, वो इनपुट सीक्वेंस मिल सके जिससे हम फाइनल स्टेट डिटरमाइन कर सके। अब क्या है कि अब इसके आगे ये ट्री ग्रो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जो आपका ये नोड है और इसका प्रीवियस नोड है सेम ग्रुप शो कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल नोड। तो टर्मिनल नोड फाइंड करने के कुछ मेथड्स हैं, वो आप देख लीजिए। आपको क्या करना है, अ नोड विच इज आइडेंटिकल टू अ नोड एट अर्लियर लेवल, जैसे ये नोड इसके आइडेंटिकल है तो ये टर्मिनल नोड हो गया, तो यहां पे हम स्टॉप कर देंगे। अ नोड इन विच ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ सिंगल स्टेट, तो अगर ऐसा नोड मिल जाए जिसमें एक ही स्टेट का ग्रुप बने, ठीक है, तो वो क्या होगा, टर्मिनल नोड होगा। अनसर्टेनिटी वेक्टर, अनसर्टेनिटी वेक्टर मतलब आपको नहीं पता है कि वो इनपुट पे वो सेट ऑफ स्टेट एक पर्टिकुलर इनपुट पे कैसे जाएंगे, यूनिकली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अनसर्टेनिटी वेक्टर कंटेन्स अ होमोजीनियस नॉन ट्रिवियल कंपोनेंट, तो ट्रिवियल कंपोनेंट जैसे एक सिंगल स्टेट अपने आप में एक ट्रिवियल कंपोनेंट होता है,
और ये सक्सेसर ट्री में तब तक करते रहेंगे जब तक आपको ट्रिवियल कंपोनेंट नहीं मिल जाए, मतलब सिंगल स्टेट सारे न मिल जाए, और होमोजीनियस कंपोनेंट न मिल जाए, मतलब दो स्टेट जो सेम हो तो वो होमोजीनियस स्टेट हो जाते हैं। तो अब हम इसको परफॉर्म करते हैं आगे। ये तो यहां स्टॉप हो गया क्योंकि ये टर्मिनल नोड है। अब इसको हम देखते हैं जीरो इनपुट पे, तो ए बी एक ग्रुप में है तो ए बी को हम जीरो इनपुट पे देखेंगे तो आउटपुट सेम आ रहा है जीरो, तो अभी भी ए बी एक ग्रुप में रहेंगे, ठीक है। और डी को चेक करते हैं, डी को जब हम जीरो इनपुट पे देखते हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, डी। इसको हम एज इट इज डी डी भी लिख सकते हैं और केवल सिंगल डी भी आप लिख सकते हो। तो अगर आप देखें जीरो इनपुट पे ये वाला नोड और ये वाला नोड सेम है, इसका मतलब ये टर्मिनल नोड है, यहीं पे रुक जाएंगे। अच्छा, वन पे देखते हैं क्या होता है। वन देखें ए बी जब वन इनपुट पे, ए स्टेट वन इनपुट पे जीरो है, बी वन इनपुट पे जीरो है, बट स्टेट डिफरेंट है। स्टेट क्या हो गया, बी डी हो गया। और डी को जब हम वन इनपुट पे देखेंगे, डी को वन इनपुट पे, तो आउटपुट जीरो है बट स्टेट क्या है, सी। तो ये एक अलग ग्रुप है। अब बी डी को हम अगेन जीरो वन पे चेक कर लेंगे, ठीक है। ये कब तक करते जाएंगे, जब तक हमें ट्रिवियल कंपोनेंट नहीं मिल जाते। तो एक सिंगल स्टेट में अगर ये हर एक ग्रुप डिवाइड हो जाए तो वो भी ट्रिवियल एज अ नोड होता है, और एक स्टेट अपने आप में ट्रिवियल है। तो बी डी जब जीरो इनपुट पे देखें तो बी को जीरो इनपुट पे जीरो आ रहा है, डी जीरो इनपुट पे वन आ रहा है। तो इसका मतलब बी डी को अब हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ए और डी नेक्स्ट स्टेट। तो जीरो इनपुट पे बी कहां जा रहा है, ए, आउटपुट जीरो है। तो हम यहां लिख सकते हैं बी डी के करिस्पॉन्डिंग ए एक ग्रुप बना और डी एक ग्रुप बना। और सी को जब हम जीरो इनपुट पे चेक करते हैं, सी को जीरो इनपुट पे तो क्या रहा है, डी। तो डी एक सेपरेट ग्रुप है। वन पे चेक करते हैं बी डी, बी डी को जब हम वन पे चेक किए तो बी से वन पे क्या रहा है, बी, आउटपुट जीरो, और डी से भी जीरो आउटपुट आया, तो बी सी एक ग्रुप बनेगा। और सी को जब हम वन पे चेक करते हैं तो एक आ रहा है ए। ये इसके आगे भी ग्रो कर सकता है, बट हमें एक ऐसा नोड मिल गया है जो ट्रिवियल कंपोनेंट को एग्जिस्ट करता है। ए एक अपने आप में ट्रिवियल है, डी अपने आप में एक ट्रिवियल है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। और जीरो वन जीरो आपको एक सीक्वेंस मिल गया, जीरो वन जीरो, दिस इज होमिंग सीक्वेंस, दिस इज होमिंग सीक्वेंस। अब ये होमिंग सीक्वेंस क्या आपको एक फाइनल स्टेट, यूनिकली फाइनल स्टेट आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है या नहीं, ये वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि ये सारे स्टेट से हम चेक करेंगे कि 010 अगर इनपुट देंगे तो फाइनल स्टेट क्या आएगा और आउटपुट सीक्वेंस क्या होगा। तो दैट इज माय होमिंग एक्सपेरिमेंट, तो यहां मैंने कर रखा है। तो जब 010 आपका सीक्वेंस मिल गया तो 010 इनपुट सीक्वेंस को हमने ए स्टेट से स्टार्ट किया कि अगर मान लो ए स्टेट पे हम 010 देते हैं तो आउटपुट सीक्वेंस क्या आएगा, 000। आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। ए जब जीरो इनपुट लिया, जीरो लिया तो आउटपुट क्या आ गया, जीरो। तो यहां मैंने पहला जीरो लिख दिया। फिर वन इनपुट लिया तो जब आउटपुट वन इनपुट लेगा तो ए से जब जीरो इनपुट था तो स्टेट क्या था, बी। तो बी से अब हम वन को चेक करेंगे तो स्टेट क्या होगा, बी, और आउटपुट क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट जीरो मैंने यहां लिख दिया, स्टेट क्या हो गया, बी। फिर जीरो पे चेक करना है, फिर बी को जब हम जीरो इनपुट पे चेक करेंगे तो आउटपुट जीरो और नेक्स्ट स्टेट ए। इसका मतलब 010 जब ए स्टेट से स्टार्ट करेंगे तो आउटपुट फाइनल स्टेट क्या होगा, ए। इसी तरीके से जब बी से स्टार्ट करेंगे तो आउटपुट से इनपुट सिक्वेंस 010 पे आउटपुट क्या आएगा, 000। तो एक इनपुट सीक्वेंस आउटपुट लिख देते हैं क्योंकि ये सारे आउटपुट लिखे हुए हैं इस इनपुट सीक्वेंस पे। तो ऐसे सी पे अगर आप 010 इनपुट सीक्वेंस देंगे तो आउटपुट सीक्वेंस क्या आएगा, 101, और फाइनल स्टेट क्या आएगा, डी,
मतलब जब हम 1010 खत्म हो जाएगा तो स्टेट क्या रहेगा, डी। तो अब अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें, इनपुट सीक्वेंस 010 पे आउटपुट सीक्वेंस जो है यूनिकली फाइनल स्टेट को डिटरमाइन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 101 आउटपुट सीक्वेंस होगा, अगर इनपुट सीक्वेंस 010 और आउटपुट सीक्वेंस 101 हो तो फाइनल स्टेट क्या होगा, तो आप बता दोगे कि वो डी है। ठीक है, यहां भी देखो 101 पे क्या आ रहा है, डी आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं इनपुट सीक्वेंस 010 है, आउटपुट सीक्वेंस 000 है, तो फाइनल स्टेट क्या होगा, तो आप सीधे कह दोगे ए है। इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको यूनिकली फाइनल स्टेट डिटरमाइन कर रहा है। तो दिस इज होमिंग एक्सपेरिमेंट। तो होमिंग एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, फाइनल स्टेट यूनिकली डिटरमाइन किया। जो हम डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंट में 101 आपको क्या दे रहा है, फाइनल स्टेट डी, और 101 अगेन फाइनल स्टेट डी दे रहा है, तो आप इनिशियल स्टेट नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो इसलिए ये जो आपका सीक्वेंस है ये होमिंग सीक्वेंस है, बस डिस्टिंग्विश सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, और जितने भी डिस्टिंग्विश सीक्वेंस होते हैं वो हमेशा होमिंग सीक्वेंस होते हैं। मतलब डिस्टिंग्विश सीक्वेंस ऑलवेज बी अ होमिंग सीक्वेंस, बट वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है कि होमिंग सीक्वेंस हो और वो डिस्टिंग्विश सीक्वेंस हो, ये ट्रू नहीं होगा। तो डिस्टिंग्विश सीक्वेंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने होमिंग सीक्वेंस लर्न किया है, ये किस लिए यूज होता है, सीक्वेंसर सर्किट टेस्टिंग में यूज होता है, स्टेट टेबल वेरिफिकेशन के मेथड्स हैं आपके होमिंग सीक्वेंस एंड डिस्टिंग्विश सीक्वेंस। तो होमिंग एक्सपेरिमेंट में हमने चेक किया कि आपको एक पर्टिकुलर इनपुट सीक्वेंस के करिस्पॉन्डिंग आउटपुट सीक्वेंस ऑब्जर्व करना है और उससे एक कंक्लूजन निकलेगा कि आपका फाइनल स्टेट क्या है। अगर ये आप कंक्लूजन निकाल लेते हो तो इसका मतलब वो होमिंग एक्सपेरिमेंट आपका सक्सेसफुल है। और ये होमिंग सीक्वेंस फाइंड करने के लिए आपके पास एक टेबल होना चाहिए जिससे आप सक्सेसर ट्री बनाएंगे। सक्सेसर ट्री आप 01 इनपुट पे चेक करते जाएंगे, जो भी इनपुट सीक्वेंस है इनपुट है, और तब तक करेंगे जब तक आपको ट्रिवियल कंपोनेंट या होमोजीनियस कंपोनेंट नहीं मिल जाते। जैसे यहाँ पे हमें ट्रिवियल कंपोनेंट मिल गया तो हम इसके आगे नेक्स्ट लेवल पे ग्रो नहीं किए, चाहते तो इसके आगे हम ग्रो कर सकते थे, बट हमें यहाँ मिल गया था इसलिए हमने आगे इसको स्टॉप कर दिया। और ये 010 मतलब ये आपका हमारा होमिंग सीक्वेंस मिला था। ठीक है, थैंक यू।